सपने में मृत माता पिता को देखना क्या मतलब होता है? आज हम बात करेंगे सपनों से जुड़ी हुई चीजों के बारे में, और यदि आपके सपनों का फल अशुभ होता है तो किस प्रकार हम उससे बच सकते हैं। हम आपको बता दें कि यह जानकारी स्वप्न शास्त्र से ली गई है और यह 100% सही है। सपने में हमें एक दूसरी दुनिया का आभास होने लगता है जो हमें याद रह जाती है। कुछ सपने को देखकर तो हम खुश होते हैं, परंतु कुछ ऐसे भी सपने होते हैं जिन्हें देखकर हम डर जाते हैं और हमारी नींद खुल जाती है। परंतु क्या कभी आपके दिमाग में यह सवाल आया है कि आखिर आपको यह सपना क्यों दिखाई दिया और इसमें क्या सच्चाई छुपी हुई है? शास्त्रों के अनुसार आपके हर एक सपने के पीछे एक गहरा अर्थ छुपा है। सपनों के ऊपर तो एक पूरा शास्त्र है जिसे स्वप्न शास्त्र के नाम से जाना जाता है। परंतु आज हम बात करेंगे कि जब किसी के सपने में कोई मरे हुए व्यक्ति आए तो उसका क्या मतलब होता है। सपने में मृत पिता को देखना। सपने में मरे हुए पिता को देखना या सपने में मृत पिता से बात करना या सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना, इन सब का मतलब अलग अलग बताया गया है। यानी कि कुछ स्वप्न शुभ होते हैं और कुछ अशुभ होते हैं। चलिए विस्तार पूर्वक से जानते हैं। सपने में मृत पिता को देखना। यदि आप सपने में मरे हुए पिता को दूर या पास में देखते हैं और वो एकदम चुपचाप खड़े हैं, तो इसका मतलब यह हो सकता है कि उनकी कोई इच्छा अधूरी रह गई हो या फिर मृत्यु के बाद कोई ऐसा विधि विधान हो जो आपने अच्छे से नहीं किया हो। यदि बार बार आपको यह सपना दिखाई देता है तो यह नकारात्मक है और इसका उपाय आपको जरूर करना चाहिए। सपने में मृत पिता को रोते हुए देखना। यदि सपने में मरे हुए पिता को आप अपने पास रोते हुए देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आप कुछ गलत काम कर रहे हैं और आपके पिता आपसे दुखी है। यह सपना अशुभ की ओर संकेत करता है और आपके जीवन में कई परेशानी आ सकती है। सपने में पिता को बार बार देखना। यदि आप सपने में मृत पिता को बार बार देखते हैं, तो यह सपना सकारात्मक है और आपके पिता आपका मार्गदर्शन कर रहे हैं। इसका मतलब यह भी है कि आपके जीवन में शुभ संकेत आने वाले हैं। सपने में मृत पिता को बीमार देखना। यदि सपने में मृत पिता को बीमार देखते हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपके घर में बीमारी आने वाली है और घर के सदस्य बीमार हो सकते हैं और आपके पिता पहले से ही आपको सुझाव देते हैं ताकि आप सावधान हो जाएं। सपने में मृत पिता से पैसे मिलना। यदि सपने में मृत पिता अपने बच्चों या घर में किसी को कुछ सामान देते हुए दिखाई देते हैं, तो यह सपना शुभ माना गया है और इसका मतलब यह है कि घर में बहुत जल्द कुछ अच्छा होने वाला है। वहीं इसके विपरीत यदि मृत व्यक्ति सामान लेते हुए दिखाई दे तो यह अपशगुन माना गया है। सपने में मृत पिता को जिंदा देखना। यदि आप सपने में मृत पिता को जिंदा देखते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आपके पिता यह चाहते हैं कि आप जीवन में एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करें जो आपको जीवन में पिता की तरह मार्गदर्शन कर सके। सपने में मरी हुई माँ को देखना। जिस तरीके से सपने में मृत पिता को देखने के अलग अलग संकेत होते हैं, उसी प्रकार सपने में मृत माँ को देखने के संकेत भी शुभ और अशुभ हो सकते हैं। तो चलिए विस्तार से जानते हैं। सपने में माँ को चुपचाप बैठे हुए देखना। इसका मतलब यह है कि
कि स्वर्गवास होने से पहले उनकी कोई प्रबल इच्छा रही हो जो अभी तक पूरी नहीं हुई है और वो आपके माध्यम से वो पूरा करवाना चाहती है। सपने में माँ को गुस्से में देखना। आप सब जानते हैं कि माँ तो आखिर माँ होती है और स्वर्गवास होने के बावजूद भी हमारे पूर्वजों का लगाव हमसे बना रहता है। सपने में मृत माँ यदि गुस्से में दिखाई दे तो यह एक संकेत है जिसमें वो आपको ये बताना चाहती है कि आप कुछ ऐसे काम में लगे हुए हैं जो आपके लिए सही नहीं है और आपको जीवन में परेशानी आ सकती है, या फिर अगर आपने कोई नया काम शुरू किया है तो आपके लिए उपयुक्त नहीं है। सपने में मरी हुई माँ को हंसते हुए देखना। यदि किसी बीमारी के बाद माँ का देहांत हुआ हो और सपने में आपको वह स्वस्थ दिखाई दे तो यह संकेत होता है कि उनका जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है और इस स्वप्न के माध्यम से वह आपको यही संकेत देते हैं कि अब आप उनके बारे में सोचकर स्वयं को तकलीफ ना दे। स्वप्न शास्त्र में ऐसे सपने को आश्वासन स्वप्न का नाम दिया गया है। ऐसा स्वप्न देखने के बाद आपको प्रसन्न होने चाहिए कि हमारे पूर्वज का जन्म किसी अच्छे स्थान पर हो गया है तथा अब वह खुश है। यदि आपको सपने में बार बार माँ दिखाई देती है तो इससे आपका मन काफी विचलित होता है और जीवन में काफी परेशानी आ सकती है। इसके लिए आपको भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए जिससे अशुभ सपनों का प्रभाव कम हो जाएगा। इसके लिए आप घर में नर्मदेश्वर शिवलिंग की पूजा भी कर सकते हैं। अगर वही किसी स्वस्थ सदस्य की मृत्यु हुई हो और सपने में वह आपको बीमार दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह आपसे अपनी कोई इच्छा व्यक्त करना चाहते हैं और उसे आपको समझने का प्रयास भी करना चाहिए, या फिर इसे ऐसा समझे कि स्वर्गवास होने पहले ही उनकी कोई प्रबल इच्छा थी जिसे वह पूरा करना चाहते थे किंतु कर नहीं पाए। तो यदि आपको उस इच्छा का पता हो तो उसे अवश्य ही पूरा करें। इससे स्वर्गवासी व्यक्ति की आत्म को शांति प्राप्त होती है, साथ ही आपके भी परिवार में सुख संपत्ति कई गुना बढ़ जाती है। वहीं अगर आपको पता होने के बावजूद आप वह इच्छा पूर्ण नहीं करते तो आप संकट में पड़ सकते हैं। यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो हम घबरा जाते हैं, जबकि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि कोई जीवित व्यक्ति सपने में मृत दिखाई दे तो यह संकेत है कि व्यक्ति की आयु में और अधिक वृद्धि हो गई है। जी हाँ दोस्तों, ऐसे सपने लंबी आयु के सूचक होते हैं और इस सपने को बुरा सपना नहीं माना जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि हमारे स्वर्गवासी परिजन सपने में दिखते तो हैं परंतु कुछ बोलते नहीं है तथा इस स्वप्न को हम समझ नहीं पाते हैं, किंतु यहाँ मैं आपको बता दूं कि स्वप्न शास्त्र के अनुसार यदि मृत परिजन हमारे स्वप्न में आए और कुछ बोले ना, तो ऐसे स्वप्न के बारे में बताया गया है कि हमारे मृत परिजन हमारे जीवन में चल रही गतिविधियों से हमें सूचित करने का प्रयास कर रहे हैं, अर्थात या तो हम कोई गलत कार्य करने जा रहे हैं या फिर गलत कार्य करने की सोच रहे हैं। स्वप्न शास्त्र में यह भी एक स्थिति को दर्शाया गया है कि यदि सपने में आकर वह हमें आशीर्वाद दे परंतु कुछ बोले ना, तो यह संकेत है कि आप जो कार्य कर रहे हैं या करने वाले हैं उसमें आपको 100% सफलता मिलने वाली है। यदि सपने में मृत व्यक्ति आपको उदास दिखाई दे या आपको आभास हो कि वह हमारे द्वारा किए गए कार्यों से प्रसन्न नहीं हो रहे तो ऐसे कार्यों को आप तुरंत छोड़ दे, क्योंकि यह आपके लिए अशुभ परिणाम ला सकता है। सपनों के ही माध्यम से हमारे पूर्वज हमें पहले ही आगाह तो कर देते हैं
परंतु हम उनको समझ नहीं पाने के कारण अनेक गलतियां कर बैठते हैं। कई बार हमें ऐसे भी सपने दिखाई देते हैं जिसमें मृत परिजन हमारे सपने में आकर हमसे कुछ वस्तुओं की मांग करते हैं, किंतु मुंह से कुछ नहीं बोलते। जैसे सपने में हमें आभास हो कि वे निर्वस्त्र दिखाई दे रहे हैं, पैरों में जूते या चप्पल नहीं दिखाई दे रहे हैं, या फिर वह भूखे हैं। यदि ये आभास हो तो यह भी एक संकेत है कि जो चीजें नहीं दिखाई दे रही है या फिर उन्हें भूख लगी है, इन चीजों को आप उस मृत के नाम से या तो ब्राह्मण को दान करें या फिर किसी मंदिर में जाकर भी आप इन चीजों का दान कर सकते हैं। और इन्हें दान करते समय मन में ऐसा ध्यान करें कि ये सभी चीजें उस स्वर्गवासी व्यक्ति को प्राप्त हो रही हैं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होते हैं और आपकी हर मनोकामना भी पूर्ण होती है। यदि कोई स्वर्गवासी व्यक्ति हमें सपने में कहीं दूर या आकाश पर दिखाई दे तो स्वप्न शास्त्र के अनुसार यह संकेत दर्शाता है कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो चुकी है और वह आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। वहीं अगर स्वर्गवासी व्यक्ति आपको आपके घर में ही या कहीं नजदीक दिखाई दे तो यह संकेत है कि वह अपने परिवार से मोह नहीं छोड़ पाए हैं और आपके परिवार को अपनी छत्र छाया में आज भी रखना चाहते हैं। यदि आपको सपने में ऐसा आभास हो तो गाय को दो रोटी अवश्य खिलाएं और अमावस्या के दिन विशेषकर उन्हें भोग लगाएं और संभव हो तो किसी ब्राह्मण को उनके निमित्त भोजन अवश्य कराएं। ऐसा करने पर पितृ अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही मैं आपको एक और चीज से अवगत कराना चाहूँगा कि हमारे हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवता हैं, जो सभी के लिए समान होते हैं, किंतु हमारे घर के पितृ देव हमारे घर के देव होते हैं, जो मृत्यु के पश्चात भी वंश की वृद्धि और उन्नति का आशीर्वाद हमें प्रदान करते हैं। इसके अलावा यदि सपने में किसी भी व्यक्ति को शव यात्रा दिखती है तो इसका मतलब होता है कि उस व्यक्ति के सभी कार्य जल्द संपन्न होने वाला है।